नमो नमः मित्रों, मैं आचार्य विकास कुमार मिश्र आप सभी का घटना चक्र के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मित्रों, सुपर टेट के महासमर में हम लोग फिर से आ गए हैं और हम लोग क्या कारक प्रकरण देख रहे थे, और कारक प्रकरण के अंतर्गत हम लोग तृतीय विभक्ति पे बात कर रहे थे। किस पे बात कर रहे थे? तृतीय विभक्त पे। तो क्या करते हैं, समय को क्या करते हैं, गंवाते न गंवाते हुए हम लोग सीधे उसी पे बात करते हैं उसके आगे कि सहयुक्ते अप्रधाने, ठीक ना। सूत्र है आपके समक्ष दिख रहा है कि सहयुक्ते अप्रधाने, जो कहता है कि साथ वाले शब्दों के योग में क्या तृतीय विभक्ति होती है। कहा सहयुक्ते, साथ, युक्त, जुड़ा हुआ, ठीक ना। अर्थात सह माने साथ, साकम माने भी साथ, सार्धम माने भी साथ, समम माने भी साथ। तो कहा सह, साकम, सार्धम, समम आदि जो सहार्थक अर्थात साथ यानी आदि सहार्थक शब्दों के योग में अप्रधान में जो की प्रधान न हो, उस अप्रधान में तृतीय विभक्ति होती है। जैसे पुत्र के साथ पिता आया या आते हैं, जैसे पुत्र के साथ, किसके साथ? तो कहा पुत्र के साथ, पुत्र के साथ पिताजी आते हैं या आए, ठीक ना। हाँ, तो देखिए यहाँ पे क्या है, कहा कि पुत्र के साथ पिताजी आए, तो कहा पुत्रेण, पुत्र के साथ। ध्यान रखिए मूल क्या है, कौन आया? पिताजी आए। कौन आए? पिताजी आए। प्रधान कौन? तो कहा जो अप्रधान होगा, जो कि प्रधान नहीं होगा। वास्तविकता में आना किसको था? तो आना सिर्फ पिताजी का आना क्या था, निर्धारित था। लेकिन पिताजी किसको साथ ले लिए? अपने पुत्र को साथ ले लीजिए, तो पुत्र क्या हो गया, ये अप्रधान हो गया। और अप्रधान में क्या होती है? तो कहा तृतीय विभक्ति होगी। कहा सहयुक्ते अप्रधाने के क्षेत्र में, अर्थात साथ होने के क्षेत्र में, ठीक ना। तो कहा पुत्र के साथ पिताजी आए। दूसरा है कि रमेश पुत्रेण सह प्रयाग नगरम गतः। रमेश पुत्र के साथ प्रयाग नगर को गया, यानी कि प्रयाग नगर को कौन गया? तो रमेश गया। किसके साथ गया? पुत्र के साथ गया। तो ध्यान रखिए यहां पर प्रयाग नगर को जाना किसके लिए अनिवार्य कार्य था? तो कहा रमेश के लिए था, है रमेश पुत्र के साथ, रमेश पुत्र के साथ प्रयाग नगर को गया, ठीक है। अब ये समझिएगा, इसमें क्या है कि रमेश का प्रयाग नगर को जाना, प्रयागराज को जाना बिल्कुल अवश्यंभावी है, ठीक है ना। लेकिन रमेश जो है किसको साथ ले लिया? तो अपने पुत्र को साथ में ले लिया। तो यहां पर क्या हो जाएगा कि रमेश पुत्र के साथ प्रयाग नगर को गया। तो यहां पर रमेश में क्या कहते हैं, तृतीय विभक्ति नहीं लगेगी, बल्कि जो अप्रधान है कौन? पुत्र के साथ, यानी जिसके साथ साथ शब्द जुड़ जाएगा उसमें क्या हो जाएगा, तृतीय विभक्ति लग जाएगी। तो कहा रमेश पुत्रेण सह प्रयाग नगरम गतः। तीसरा है कि राम जानक्या साकम गच्छति। राम जानकी के साथ जाते हैं या जाता है। देखिए अब इस वाक्य को इस तरह से होगा कि राम जानकी के साथ जाता है, ठीक है ना। लेकिन ये वाक्य थोड़ा सा, क्योंकि हमारे राम जो है वो क्या है, आराध्य देव हैं। आराध्य देव होने के कारण जो हम अनुवाद में जब हिंदी में उसका हम लोग करेंगे तो कहेंगे राम जानकी के साथ जाते हैं, ठीक है। लेकिन जब वाकई में इसका शब्द क्या होना चाहिए था कि राम जानकी के साथ जाता है या जा रहा है, ठीक। उसी तरीके से अगला है कि मोहन गुरुड़ा सार्धम विद्यालयम गच्छति। मोहन गुरु के साथ, गुरु जी के साथ विद्यालय जाता है। तो ध्यान रखिएगा यहां पे गुरुड़ा सार्धम, तो क्या है, मोहन गुरु जी के साथ विद्यालय जाता है। तो यहां पर कौन विद्यालय जाता है? तो मोहन विद्यालय जाता है। ध्यान रखिएगा मोहन कौन है? मुख्य है, ठीक, यानी कि प्रधान है,
और अप्रधान कौन है? गुरुजी। ठीक, जाने के लिए तो मोहन अकेले भी जा सकता था या अपने मित्र सोहन के साथ भी जा सकता था, महेश के साथ भी जा सकता था, राम के साथ भी जा सकता था, ठीक है, उमेश के साथ भी जा सकता था। लेकिन मोहन क्या हुआ, रमेश के साथ, उमेश के साथ, सोहन के साथ न जा करके किसके साथ जाता है? गुरुजी के साथ जाता है। ठीक, तो यहां पर गुरुजी क्या हुए, तो गुरुजी अप्रधान हुए और अप्रधान होने के कारण गुरु में क्या हुआ, तृतीय विभक्त एक वचन लगा और बना कि मोहन गुरुड़ा सार्धम विद्यालयम गच्छति। ठीक, फिर पांचवा है कि लक्ष्मणेन समम रामः गच्छति, कि लक्ष्मण के साथ राम जाते हैं या राम जाता है। तो लक्ष्मण के साथ कौन जाता है? तो राम। ठीक है ना, तो जब राम जा रहे हैं किसके साथ, लक्ष्मण के साथ राम जा रहा है या जाता है, तो यहां पर क्या हो गया, लक्ष्मण के साथ, तो कौन अप्रधान कौन है, लक्ष्मण जी हैं, क्योंकि साथ शब्द जुड़ गया, तो यहां पे क्या हो गया, लक्ष्मणेन समम, लक्ष्मण के साथ रामः गच्छति, राम जाता है। ठीक, अर्थात जो आपको यहां सयुक्त प्रधान सूत्र में आया कि सह, साकम, सार्धम, समम आदि सहायक शब्दों के योग में तृतीय विभक्ति होगी, किसमें, अप्रधान में। ठीक, तो आपको समझ में आ गया, हम आगे बढ़ते हैं। ठीक ना, फिर बीसवां कहा ये नांग विकार है, सूत्र क्या है, ये नांग विकार है, ये जिसके द्वारा या जिसमें, ये जिसके द्वारा या जिसमें विकार है, विकार अर्थात दोष। कहने का भाव यह है कि भाषा में यदि किसी शरीरधारी के शरीर में कोई विकार परिलक्षित हो तो उस शब्दवाचक में, भाषा द्वारा उस शब्द में तृतीय विभक्ति लगेगी। जैसे कहने का भाव यह है, मान लीजिए कि अगर हम, मैंने कहा कि वह पैर से लंगड़ा है, वह पैर से लंगड़ा है, क्या है, वह पैर से लंगड़ा है। ठीक ना, वह पैर से लंगड़ा है, अगर हम यह कहें तो इसमें क्या हो जाएगा कि सह पादेन खंजह, सह पादेन खंजह, अस्त चाहिए करें चाहे ना करें। तो अब यहां पे यह समझिएगा कि जो आपको यहां दिख रहा है कौन सा, ये नांग विकार है सूत्र, ये कहता है कि यदि कहीं शरीरधारी के शरीर में, अर्थात कोई मनुष्य, कोई मनुष्य के नहीं, यहां पे शरीरधारी की बात है, ठीक है ना, किसी शरीरधारी के शरीर में कोई विकार परिलक्षित हो, कोई दोष दिखाई पड़े, ठीक है ना, तो उस दोषवाचक शब्द में तृतीय विभक्ति लगेगी। किस क्षेत्र में, तो कहा भाषा के क्षेत्र में। जैसे वह पैर से लंगड़ा है, तो यह पैर से लंगड़ा है, तो यहां पे देखिए बात समझिएगा, भाषा में किस तरह से क्या कहते हैं हम करेंगे, भाषा में थोड़ी ना, भाषा में तो हम लोग क्या करेंगे, उस पैर वाचक शब्द में, ठीक है ना, पैर वाचक शब्द में क्या करेंगे, तृतीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। जैसे वह पैर से लंगड़ा है, तो सह पैर के लिए क्या करेंगे, पैर वाचक शब्द में तृतीय विभक्ति एक वचन का प्रयोग करेंगे। तो कहा पादेन खंजह, क्या है, अस्थि, लंगड़ा है, ठीक है। यहां पे जैसे उदाहरण दिख रहा है आपको, सह अक्षरा कांगड़ह, कि वह आंख से काना है, वह आंख से काना है, तो आंख वाचक शब्द में, क्योंकि काणत्व होना व्यक्ति का गुण या अवगुण नहीं है, यह तो समय वशात किसी कारणवश क्या हुआ, व्यक्ति अंधा हो गया, अर्थात अंधा मतलब काना हो गया, ठीक है, अंधा नहीं, अंधा तो कुछ लोग जन्मांध भी होते हैं, अंधा कुछ लोग क्या है कि वह आंख, अंधा होना कोई व्यक्ति जन्म से ही अंधा हो सकता है, लेकिन काना होना क्या है, वह जन्म से काना नहीं हो सकता, बल्कि क्या होता है, जब व्यक्ति जन्म लेता है या कोई भी जीव, कोई भी शरीरधारी जब जन्म लेता है, तो कुछ समय के बाद क्या होता है, किसी ऐसी दैवशात, ऐसी कुछ घटनाएं, अप्रिय घटनाएं उसके साथ घटती हैं, जिससे कि उसकी आंख क्या होती है, फूट जाती है और वह व्यक्ति काना हो जाता है, ठीक है। तो ऐसी प्रक्रिया में क्या होता है कि उस शरीरधारी के शरीर में विकार परिलक्षित हो जाता है, और जब विकार परिलक्षित हो गया, तो उस
दोषवाचक शब्द में, ठीक है ना, उस जो शरीरधारी के जिस भी शरीर में क्या हुआ वह विकार परिलक्षित हो, तो उस वाचक, उस दोषवाचक क्या है, उस शरीरधारी के शरीर के दोषवाचक शब्द में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तो कहा ये नांग जैसे सह अक्षरा कान है, वह आंख से काना है, तो यहां आंख वाचक शब्द में तृतीय विभक्ति का प्रयोग हो जाएगा, तो वह आंख से काना है। ठीक, हस्तेन लुंजा सहस्तेन लुंजा, वह हाथ से क्या है, लूंजा है, ठीक है ना। फिर सिरसा खलवाट, वह सिर से क्या है, गंजा है। कर्णाभ्याम बधिर, दोनों कानों से बहिर है, ठीक है ना। पादीन खंजह, पैर से लंगड़ा है। पृष्ठीन कुब्जह, पृष्ठ से अर्थात पीठ से क्या है, कुबड़ा है। आई बसन में, तो यहां पर ये नांग विकार सूत्र हमको बतलाता है कि शरीरधारी के शरीर में यदि कोई विकार परिलक्षित हो तो जिस शरीर में उसका विकार दिखलाई पड़े, ठीक है ना, उस वाचक शब्द, उस शरीर वाचक शब्द में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। आई बस समझ। फिर अगला है कि अगला सूत्र है कि पृथक विना नाना भी तृतीय अन्य तरस्याम, ठीक, पृथक विना नाना भी तृतीय अन्य तरस्याम। यह सूत्र कहता है कि पृथक विना नाना शब्दों के योग में विकल्प से तृतीय विभक्ति होती है। कहने का भाव यह है कि चाहे तो पृथक शब्द आए, चाहे विना शब्द आए, चाहे नाना शब्द आए, तो इन शब्दों के योग में विकल्प से तृतीय विभक्ति होगी। अगर चाहे तो आप तृतीय न करें, अगर विकल्प की बात हुए, विकल्प का अर्थ होता है अथवा, ठीक है, चाहे ये करिए चाहे वो करिए। आई बात समझ। तो यहां पर विकल्प की बात यह है कि इन इसके पृथक बिना नाना शब्दों के योग में, तो चाहे आप तृतीय विभक्ति करें, चाहे द्वितीय विभक्ति करें और चाहे पंचमी विभक्ति करें, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे आपको दिख रहा है कि जलेन बिना न जीवत कमलम, ठीक, तो यहां पर जलेन बिना न जीवत कमलम कि जल के बिना कमल जीवित नहीं रहता या नहीं रहता है, ठीक है ना। तो यहां पर आप चाहें तो विना शब्द के योग में पृथक विना नाना भी तृतीय ने तरस्याम सूत्र से क्या करिए, चाहे तो विना शब्द के योग में तृतीय विभक्ति का प्रयोग कर दीजिए, चाहे द्वितीय विभक्ति कर दीजिए कि जलम बिना, और चाहे पंचम विभक्ति का प्रयोग कर दीजिए जलात बिना न जीवति कमलम। इसी तरीके से ग्रामम पृथक, ग्रामीण पृथक, ग्रामात पृथक कि ग्राम से बाहर, ठीक है, ग्रामीण पृथक ग्राम से बाहर, ग्रामात ग्रामात पृथक पंचमी है, ग्रामम पृथक द्वितीय है। तो ये जो सूत्र था आपका कि पृथक विना नाना विस्तृतीय ने तरस्याम, यह सूत्र कहता है कि इन कि पृथक विना नाना शब्दों के योग में विकल्प से आप चाहे तृतीय विभक्ति का प्रयोग करें, चाहे तो द्वितीय का प्रयोग कर लें, चाहे पंचमी का प्रयोग कर सकते हैं, कोई बाध्यता नहीं, जो आपकी इच्छा। यहाँ पे देखिए, रामम बिना द्वितीय, रामेण बिना तृतीय, रामात बिना पंचमी, ठीक, इसी तरीके से नाना रामेण तृतीय, नाना रामात पंचमी, नाना रामम द्वितीय, ठीक ना। तो इस तरह से आप चाहे द्वितीय का प्रयोग करें, चाहे तृतीय का प्रयोग करें, चाहे पंचमी का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक मित्रों, आइए अब इतना तो आपको समझ में आ गया, आप यहाँ पे आपकी तृतीय विभक्ति क्या हो जाती है, टेट सुपर टेट के आधार पे ये पूरा हो जाता है। अब आगे आपको जब यहाँ पे दिख रहा है चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक, तो हम लोग इस पे बात करेंगे चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक पे, ठीक ना। तो आपको दिख रहा है कि संप्रदान कारक में कि कर्मणा यम अभिप्रयति स संप्रदानम, क्या दिख रहा है कि कर्मणा यम अभिप्रयति स संप्रदानम, अर्थात कि कर्म के द्वारा, कर्मणा माने कर्म के द्वारा, यम माने जिसको, कर्मणा माने क्या होता है, कर्म के द्वारा, यम माने जिसको, अभिप्रेत माने संबंधित किया जाए, संबंधित किया जाए, जोड़ा जाए, ठीक है ना, स उसकी संप्रदान संज्ञा होती है। कहने का भाव क्या है, तो कहा किस कर्म के द्वारा, प्रश्न उठता है ना कि किस कर्म के द्वारा, तो कहा दानेन कर्मणा, दान कर्म के द्वारा, अर्थात कि कर्ता दान कर्म के द्वारा जिसे अभिप्रेत करता है, अर्थात जिसको जोड़ता है, जिसको संबंधित करता है, अर्थात किसी को जिसको दान देता है,
कर्ता द्वारा जिस व्यक्ति को दान दिया जाता है, ठीक है ना, तो जो दान ग्रहण करता हो उसकी संप्रदान संज्ञा होती है। कहने की बात यह है। आई बात समझ में? जैसे एक उदाहरण आपको दिख रहा है कि राजा ब्राह्मण चतुर्थी संप्रदाने, एक दूसरा सूत्र है चतुर्थी संप्रदाने, कि संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। आई वसन में कि चतुर्थी में कौन सी व्यक्ति, संप्रदान कारक में कौन सी व्यक्ति, तो कहा संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति का, किस विभक्ति का, चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना, चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। आई बात समझ में कि चतुर्थी संप्रदाने के अर्थात संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अब अगला है, इसी का उदाहरण के माध्यम से आप समझिएगा कि राजा ब्राह्मणाय गाम ददात, कि राजा ब्राह्मण को गाय देता है, राजा ब्राह्मण को गाय देता है या दे रहा है, देता है या दे रहा है। ठीक है, तो यहां पे देखिए कर्ता द्वारा अर्थात राजा द्वारा दान के कर्म में, किस कर्म में, देखिए लिखा है ना दान कर्म में, कर्मणा एवं प्रयत्न संप्रदानम सूत्र कहता है कि कर्ता दान कर्म के द्वारा जिसको दान दे उसकी संप्रदान संज्ञा होती है। आई बात समझ में? तो यहां पर क्या है कि राजा ब्राह्मण को गाय देता है, क्या देता है, तो राजा ब्राह्मण को गाय देता है। तो यहां पर राजा द्वारा दान का कर्म किया जा रहा है, कौन सा कर्म किया जा रहा है, दान का कर्म किया जा रहा है, और दान के कर्म में जो दान ग्रहण कर रहा हो कौन, तो कहा ब्राह्मण, तो ब्राह्मण की कौन सी संज्ञा हो जाएगी, तो कहा संप्रदान संज्ञा हो जाएगी, और चतुर्थी संप्रदाने, ठीक है ना, तो संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। तो यहां पे जो अनुवाद बनेगा, राजा कर्ता प्रथमा, ठीक है ना, तो प्रथमा एक वचन राजा, फिर ब्राह्मण को तो ब्राह्मणाय, ठीक है ना, जैसे रामाय, ठीक है ना, बालकाय, ठीक, तो इस तरह से राजा ब्राह्मणाय गाम गाय को, अर्थात द्वितीया एक वचन, क्या है, द्वितीया एक वचन, तो गाम ददाति, देता है या दे रहा है, तो राजा ब्राह्मण को गाय देता है या दे रहा है, अनुवाद क्या होगा, राजा ब्राह्मणाय गाम ददाति। ठीक, उसी तरीके से दूसरा है कि माता बालकाय फलम ददाति, माता बालक को फल देती है, माता बालक को फल देती है, क्या देती है, फल देती है। देखिए अब यहां पे एक चीज और समझिए, माता पुत्र को क्या दान देगी क्या, ठीक है ना, उस तरह से दान का कर्म नहीं, दान का मतलब यह होता है, समझ लीजिए दान का मतलब अर्थ यह होता है कि किसी व्यक्ति के द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति को यदि कोई वस्तु या कुछ भी दे दिया, कोई पदार्थ अगर दिया जाता है, तो ऐसी परिस्थिति में क्या होता है कि वह दूसरे व्यक्ति से दी हुई वस्तु कभी वापस नहीं मांगता। आई बात समझ में ना, इसी चीज को दान कहा जाता है। ठीक है, जैसे क्या होता है, किसी पुत्री का दान उसका पिता वर को कर देता है, तो पुनः वह अपनी पुत्री को उस वर से नहीं मांगता, इसी के लिए कहा जाता है कन्या दान देता है, ठीक है ना, पिता विवाह के समय, तो कहा माता बालकाय फलम ददात, माता बालक को फल देती है। तो यहां पर माता द्वारा अपने पुत्र को खाने हेतु जो फल दिया गया वह क्या करता है, बालक खा लेता है, बल्कि क्या करता है, माता उससे पुनः वह उस बच्चे से फल नहीं मांगती, बल्कि क्या हो रहा है, फल खाने के लिए दी और बच्चे ने क्या किया, फल को खा लिया। तो यहां पर ऐसी प्रक्रिया में क्या हो गया, फल को ग्रहण करने वाला कौन, बालक, उसकी संप्रदान संज्ञा होगी, और संप्रदाने चतुर्थी संप्रदाने सूत्र से संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति होगी। ठीक है ना, तो बन जाएगा माता बालकाय फलम ददात, माता बालक को फल देती है या फल दे रही है। अगला उदाहरण है
कि ब्राह्मणाय भूमिं ददात, ब्राह्मण को भूमि देता है या भूमि दे रहा है, ब्राह्मण को भूमि देता है या दे रहा है। कोई है, कौन दे रहा है? तो कहा राजा। कौन दे रहा है? तो कहा राजा दे रहा है। यहां पे कर दे रहे हैं राजा, कर दे रहे हैं क्या, कर दे रहे हैं राजा, कर दे रहे हैं, ठीक है ना। तो कहा राजा ब्राह्मण को भूमि देता है। तो जब इसका अनुवाद हम लोग करेंगे तो राजा ब्राह्मणाय भूमिं ददाति, राजा ब्राह्मण को भूमि देता है या दे रहा है, ठीक ना। तो ऐसे क्रम में यहां भी राजा द्वारा ब्राह्मण को जब भूमि दी गई तो किसमें दी गई, दान स्वरूप दी गई। और दान स्वरूप में जब दी गई तो यहां पर कभी भी राजा द्वारा उस ब्राह्मण से पुनः वह भूमि अधिग्रहित नहीं की जाए, अधिग्रहित नहीं की जाएगी, वह भूमि उसने दान स्वरूप दे दिया। आई बात समझ में? चलिए हम लोग आगे चलते हैं। अगला सूत्र है रुच्यर्थानाम प्रियमाण। कौन सा सूत्र है? रुच्यर्थानाम प्रियमाण। रुचि अर्थात अच्छा लगना, पसंद आना, प्रियमाण जो पसंद हो, जो प्रसन्न हो, ठीक है, जिसको पसंद होता है। रुच्यर्थानाम प्रियमाण सूत्र कहता है कि रुच अर्थ वाली, अर्थात कोई भी शब्द, कोई भी क्या कहते हैं अनुवाद है, ठीक, कोई भी वाक्य है और उसमें रुच धातु का प्रयोग हो, किस धातु का प्रयोग हो, रुच धातु का प्रयोग हो, तो ऐसे में अगर रुच माने पसंद आना, तो कोई वस्तु अगर किसी को पसंद आती है, ठीक है ना, जो वस्तु किसी को पसंद आती है तो उस व्यक्ति की संप्रदान संज्ञा होगी। और प्रियमाण अर्थात तो जो प्रसन्न होता है, जिसकी, जिसे कोई चीज पसंद आती है, उसकी संप्रदा, उसका सं, उसकी संप्रदान संज्ञा होगी। और चतुर्थी संप्रदाने सूत्र से उसमें संप्रदान चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। जैसे उदाहरण है कि हरे रोचते भक्ति, अर्थात हरि को भक्ति पसंद है, हरि को भक्ति पसंद है या प्रिय है, पसंद है या प्रिय है, या क्या है, प्रिय है, ठीक। तो हरि को भक्ति क्या है, हरि को भक्ति प्रिय है या पसंद है। तो यहां पे क्या आ गई, पसंद आ गई, क्या आ गई, पसंद आ गई। तो यहां पे कौन प्रसन्न हो रहा है, तो कहा हरि, तो हरि क्या हो गए, प्रियमाण हो गए, क्या हो गए, प्रियमाण हो गए। और प्रियमाण को क्या, चतुर्थी विभक्ति एक वचन का प्रयोग होगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, जब अनुवाद करेंगे तो प्रियमाण यहां पे कौन है, हरि है, तो हरि में चतुर्थी एक वचन, तो हरे, हरि के क्या होगा, चतुर्थी व्यक्ति एक वचन में रूप क्या बनेगा, हरे बनेगा, हरे रोचते भक्ति ही। इसी तरीके से दूसरा है सुरेशाय दुग्धम रोचते, सुरेश को दुग्ध पसंद है, सुरेश को दूध पसंद है, क्या है, पसंद है। तो यहां पर दूध किसको पसंद है, तो कहा सुरेश को पसंद, क्या है, ये रुच धातु है, कौन सी धातु है, तो कहा रुच, रुच का अर्थ होता है प्रसन्न होना या पसंद आना, ठीक है ना। तो यहां पर सुरेश प्रियमाण है, सुरेश क्या है, प्रियमाण है, क्योंकि जिसे प्रिय हो, कोई वस्तु जिसको प्रिय होती है वह प्रियमाण होता है। तो यहां पर ये जो प्रियमाण है, तो यहां पर क्या, रुच्यर्थानाम प्रियमाण सूत्र से इसकी संप्रदान संज्ञा होगी, सुरेश की कौन संज्ञा होगी, तो कहा संप्रदान संज्ञा होगी। और इसमें क्या, चतुर्थी संप्रदाने सूत्र, संप्रदाने चतुर्थी या चतुर्थी संप्रदाने सूत्र से क्या होगी, चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा और बनेगा क्या, सुरेशाय दुग्धम रोचते। इसी तरीके से महयम मोदकम रोचते, कि मुझे मोदक अर्थात लड्डू प्रिय है, पसंद है, ठीक है ना। तो उसका जब अनुवाद बनेगा तो क्या, महयम क्या, चतुर्थी एक वचन में क्या होगा, अहम का जो रूप बनता है अस्मत का, तो अस्मत का चतुर्थी एक वचन में रूप बनता है महयम, क्या बनता है, महयम। तो महयम मोदकम रोचते, मुझे लड्डू पसंद है या लड्डू प्रिय है। इसी तरीके से महयम ओदनम रोचते, मुझे भात पसंद है या प्रिय है, महयम
ओदनम रोचते महयम माने मुझे अस्मत, ठीक है, क्या अस्मद इसमें यानी सर्वनाम है, ठीक है ना, अस्मद मैं सर्वनाम, ठीक। तो अस्मद के चतुर्थी विभक्ति एक वचन में, ठीक ना, क्या बनेगा, महयम ओदनम अर्थात भात, ठीक ना, रोचते प्रिय है या पसंद है, ठीक ना मित्रों। आइए हम आगे बढ़ते हैं, अगला सूत्र है क्रोध द्रुह ईर्ष्या असूया नाम यम प्रति कोपह, क्या है, क्रोध द्रुह ईर्ष्या असूया नाम यम प्रति कोपह। यह सूत्र क्या कहता है, कहता है कि क्रोध माने क्रोध, द्रुह माने द्रोह, ठीक है ना, इसके बाद ईर्ष्या मतलब क्या होता है, जलना, ईर्ष्या करना, ठीक है ना, ईर्ष्या किसी देख कर ईर्ष्या हो, ठीक है ना, असूय अर्थात जलना। तो कहा कि क्रोध द्रुह ईर्ष्या असूय ये जब क्या करें, ये भाव मनुष्य के अंदर उपजे और जिसके कारण उपजे, अर्थात जिसके प्रति क्रोध, मनुष्य जिसके प्रति क्रोध करे, जिसके प्रति ईर्ष्या भाव रखे, जिसके प्रति जिसको देखकर जलन हो, ठीक है ना, तो ये जिसके देखकर हो तो उसकी क्या होगी, संप्रदान संज्ञा होगी, उसकी कौन सी संज्ञा होगी, संप्रदान संज्ञा होगी। अर्थात जैसे कि आपका कोई शत्रु है, ठीक है ना, जिससे आपका प्रतिदिन लड़ाई झगड़ा हो, तो उसे देखते ही आपको क्रोध आता है, तो जब उसको देखकर आपको क्रोध आ रहा है तो वो जो व्यक्ति होगा उसकी संप्रदान संज्ञा होगी। और भाषा में क्या होता है, चतुर्थी संप्रदाने या संप्रदाने चतुर्थी से उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। जैसे एक उदाहरण आपको देख लीजिए, पिता पुत्राय क्रुद्धति, पिता पुत्र पर क्रोधित होता है, पिता पुत्र के लिए, पुत्र के लिए क्रोधित होता है, पुत्र को क्रोधित, पुत्र पर क्रोधित होता है, ऐसे कर ले, पुत्र पर क्रोधित होता है, क्या होता है, क्रोधित होता है। ध्यान रखिएगा यहां पे एक बात समझिएगा, यहां पर शब्द आ गया तो पर का अर्थ ये मत ले लीजिएगा कि अधिकरण कारक है, ठीक है ना, कि यहां पे सप्तमी लगाई, ऐसा नहीं है। देखिए क्योंकि शब्द सही से बन नहीं रहा है, संस्कृत में बन गया है लेकिन हिंदी में जब इसका अनुवाद करेंगे तो हिंदी में पर बिना लगाए, क्योंकि भाव है ना, भाव मनुष्य के भीतर होता है, ठीक है ना। तो इसे कहा पिता पुत्र पर क्रोधित होता है, पिता पुत्र पर क्रोधित होता है, ठीक। उसी तरीके से दुष्टा सज्जनाय द्रोहयन्ति, दुष्ट सज्जनों पर द्रोह करता है, सज्जनों से द्रोह करता है, दुष्ट दुष्ट लोग, दुष्टा दुष्ट लोग, दुष्ट सज्जन से, सज्जन से द्रोह करता है, क्या करता है, द्रोह करता है, ठीक है। इसी तरीके से अगला है कंस कृष्णाय ईर्ष्यति, कंस कृष्ण से ईर्ष्या करता है, कंस कंस कृष्ण से ईर्ष्या करता है, क्या करता है, ईर्ष्या करता है या कर रहा है, ठीक। अगला है दैत्याः देवेभ्यः असूयन्ति, कि दैत्य जो हैं, जो दैत्य हैं वो देवों से क्या करते हैं, असूय जलते हैं, दैत्य देवों से, दैत्य देवों से जलते हैं, ठीक है ना। इस तरह से आपका ये देख लीजिए कि क्रोध द्रुह ईर्ष्या असूया नाम यम प्रति कोपः सूत्र कहता है कि जिससे जिसके प्रति क्रोध आए, जिससे क्रोध आए, जिस पर क्रोध आए, जिसके प्रति ईर्ष्या की जाए, ठीक है ना, जिससे कोई व्यक्ति जलता हो, ठीक है ना, और इन शब्दों के योग में अर्थात जिसके प्रति हो, ठीक है ना, जिसके प्रति ये भाव उपजे उसकी संप्रदान संज्ञा होगी और चतुर्थी संप्रदाने सूत्र से उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा, ठीक ना मित्रों। तो आज की क्लास मित्रों हम क्या करते हैं, यहीं पे समापन करते हैं, फिर क्या होगा, हम लोग नेक्स्ट सेशन से नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे, ठीक ना। धन्यवाद मित्रों।